इंस्ट्रक्शन इज लेबल सो लेबल इज लेबल इंस्ट्रक्शन एज मेटर डेटा टू एन इमेज लेबल इज अ की वैल्यू पेयर सो लेबल क्या करता है लेबल जब एग्जीक्यूट होता है डॉकर फाइल से टू क्रिएट अ इमेज तो ये एक कोई लेयर तो नहीं क्रिएट करता इमेज में बट इट इज़ अ मेटर डेटा फॉर एग्जाम्पल कोई ऑथर की इंफॉर्मेशन देनी है कोई वर्जन लाइक सॉफ्टवेयर का वर्जन हमें डिफाइन करना है तो इन दैट के लेबल से हम लोग uh, उसका जो वर्जन है और उसकी वैल्यू है वो हम लोग की वैल्यू फॉर्मेट में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं तो एग्जांपल में आप देख सकते हो लेवल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन किया है उसके बाद में इसकी की और वैल्यू तो कि फॉर एग्जांपल वर्ज़न हमने लिया है वैल्यू वन डॉट जीरो हमने मेंशन किया है तो आप की और वैल्यू दोनों को इन्वर्टेड कॉमर्स में रख सकते हैं या फिर सिर्फ वैल्यू को रख सकते हैं या फिर आप जो वैल्यू है उसको फॉरवर्ड स्लैश से दूसरे लाइन में भी लेकर जा सकते हैं या फिर आप लेबल को के मल्टीपल जो मेटा डेटा है लाइक like, जो इंस्ट्रक्शंस है वो मल्टी मतलब एक ही लाइन में हम मल्टी वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं और वैसे ही हम लेबल इंस्ट्रक्शंस की जो की वैल्यूज़ हैं वो हम लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज करके मल्टीपल लाइंस में भी हम उसको लिख सकते हैं ठीक है लेबल इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड इन बेस और पेरेंट इमेज इमेजेस इन इन द फ्रॉम लाइन आर इनहेरिटेड बाय योर इमेज If label already exists but with a different value, the most recent applied value override any previously set value. तो so, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे form image जो हमने image फॉर्म में जो हमने बेस इमेज ली हुई है उसके अंदर अगर कोई लेबल इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैंशन किए हुए हैं तो वो इन वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो लेबल वाले हैं वो इनहेरिट हो जाएंगे आपके इमेज में और जब भी आप इमेज बिल्ड करोगे तो वो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल वर्ज़न हमने वर्ज़न जो वैल्यू है वो ऑलरेडी बेस इमेज में मेंशन किया है और आपने नया वर्ज़न लेवल के थ्रू मेंशन किया तो आपका नया वाला जो वर्ज़न नंबर है वो उससे ओवरराइड हो जाएगा तो लेटेस्ट वाला ही यहाँ पर कंसिडर करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है एक्सपोज एक्सपोज इंस्ट्रक्शन क्या करती है ये कंटेनर में जो पोर्ट है वो उसको ओपन करता है तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द एक्सपोज इंस्ट्रक्शन इनफॉर्म डॉकर दैट द कंटेनर लिसन ऑन द स्पेसिफाइड नेटवर्क पोर्ट एट रन टाइम ठीक है यू कैन स्पेसिफाई वेदर द पोर्ट लिसन ऑन टी सी पी और यू डी पी द डिफॉल्टज टी सी पी इफ द प्रोटोकॉल इज नॉट डिफाइंड तो डॉकर कंटेनर को ये बताते ये इंश्योर करता है कि कंटेनर कौन से पोर्ट पर लेसन करेगा और वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू लेसन करेगा तो अगर हमने डिफाइन नहीं किया कि वो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू लेसन करेगा तो बाय डिफॉल्ट टीसीपी ओपन किया जाता है तो वही एक्सपोर्ट्स इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम यहाँ पे पोर्ट पर कंटेनर को लिसन करने के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन कर रहे तो अगर हमने ऐसा मेंशन कर दिया एक्सपोज 80 स्लैश टी तो जो हमारा रनिंग कंटेनर होगा वो पोर्ट 80 पे लिसन करेगा विथ प्रोटोकॉल टी राइट फॉर एग्जांपल हम लोग जब डॉकर रन कमांड रन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग हाइफन पी ऑप्शन लिख करके हमारे डॉकर होस्ट एंड डॉकर कंटेनर दोनों के पोर्ट को जब हम लोग मैप करते हैं तब जाके वो पर्टिकुलर सर्विस उस पोर्ट पे रन होती है और वो रन डॉकर होस्ट में दिखाई देती है तो उस केस में अगर डॉकर कंटेनर के अंदर में पोर्ट ओपन होगा ही नहीं तो वो मैप भी नहीं होगा तो वो पोर्ट को हमें ओपन करना है विथ uh, जो इंस्ट्रक्शन है एक्सपोज के थ्रू राइट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ई एन वी ई एन वी इंस्ट्रक्शन Uh, जो द ई एन वी इंस्ट्रक्शन सेट द एनवामेंट वेरिएबल की टू द वैल्यू मतलब एनवामेंट वैलिए वेरिएबल को हमें डिफाइन करना है तो वो ई एन वी इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं और वो की वैल्यू के फॉर्मेट में होता है फॉर एग्ज़ाम्पल ईन वी यहाँ पर लिखा हुआ है माई नेम इज़ इक्वल टू जॉन डो ऐसा मैंशन किया हुआ है और अनदर एग्जाम्पल माई डॉग इज इक्वल टू रिच फॉवर्ड स्लैश द फॉवर्ड स्लैश डॉग मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर एज इट इज़ चली जाएगी और ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर फ्लपी इस तरीके से वैल्यू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द इनवामेंट वेरिएबल सेट यूजिंग ई एन वी विल परसिस्ट विद कंटेनर इन इज रन फ्रॉम द रिजल्टिंग इमेज जो भी इमेज में हम लोग ये डिफाइन करेंगे जो भी डॉकर फाइल में हम लोग ये डिफाइन करेंगे वो रनिंग कंटेनर में ये इफेक्टिव रहेगा ये इमेज बनते समय इफेक्टिव नहीं रहेगा जब ये कंटेनर रन होगा तब ये जो इन्वामेंट वेरिएबल्स हैं ये इफेक्टिव होते हैं यू कैन व्यू द वैल्यूज यूजिंग डॉकर इंस्पेक्ट कमांड से अब इनकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं एंड चेंज देम यूजिंग डॉकर रन हाइफ़न हाइफन ई एन वी की वैल्यू अगर आपने डॉकर फाइल में ऑलरेडी ई एन वी वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं और जब और अब चाह अब आप चाहते हो कि वो जो एनवायरमेंट वेरिएबल आपने डिफाइन किए थे डॉकर फाइल में वो ओवर हो जाए डॉकर रन कमांड के थ्रू डॉकर रन कर, कर, करते समय कंटेनर स्टार्ट करते समय तो आप इस ऑप्शन के थ्रू उसको आप इस फ्लैग के थ्रू आप एनवामेंट वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं ये ओवर ये वैल्यू ओवर हो जाएगी इसके थ्रू फॉर एग्जाम्पल माई नेम अगर यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे माई नेम इज़ इक्वल टू समथिंग एल्स मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ तो समथिंग एल्स विल बी गेट ओवर राइट मीन समथिंग एल्स विल ओवर राइट अ जॉन डो ठीक है वो उसकी वैल्यू को ओवर राइट कर देगा और उसको यूज़ करेगा एन वी इंस्ट्रक्शन आल्सो अलाउज अल्टरनेटिव सिंटैक्स एनवायरमेंट की वैल्यू ओमेटिंग द इज इक्वल टू लाइक like, आप जहाँ पे जैसे इज इक्वल टू लिख रहे थे वैसे यहाँ पे अगर इज इक्वल टू नहीं भी लिखते हैं तो भी वो काम करेगा ए एन वी जैसे माई वार में माई वैल्यू डाला हुआ है इसकी वैल्यू और यहाँ पे वन एक वेरिएबल है और उसके अंदर ये वैल्यू डाली हुई है तो इट डजेंट मैटर कि टू इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल टू आप वर्ल्ड लिखो वो जो फर्स्ट है उसको की कंसिडर करेगा और बाकी सबको वैल्यू कंसिडर कर लेगा उस केस में तो ये इसकी सारी चीज़ें इसके अंदर में स्टोर हो जाएगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड इंस्ट्रक्शन तो ऐड इंस्ट्रक्शन कॉपीज न्यू फाइल डायरेक्टरीज और रिमोट फाइल यू आर एल्स फ्रॉम सोर्स एंड एड टू द फाइल ऑफ द इमेज एट डेस्टिनेशन टू द डेस्टिनेशन डिफाइन किया जाएगा इमेज के अंदर में वहाँ पर ये सारी फाइल्स कॉपी हो जाएगी जैसे ऐड आप देख रहे हो ये एक फ्लैग यहाँ पे यूज़ किया गया है एंड देन सोर्स एंड डेस्टिनेशन ये एक फॉर्म हो गया दूसरा फॉर्म है आप जो सोर्स और डेस्टिनेशन है उसको भी जेसन फॉर्मेट में लिख रहे हो और यहाँ पे शेल फॉर्मेट में इसको लिख रहे हो तो ये दोनों ही अलाउड है और ये सी एच ओन फ्लैग के थ्रू अगर हम कॉपी करते हैं तो जो भी फाइल कॉपी होगी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में उसका जो यूज़र नेम और जो ग्रुप नेम होगा वो जो हम यहाँ डिफाइन करेंगे वो सेट हो जाएगा एग्जाम्पल अगर हम कोई फाइल्स टॉमकेट यूज़र और टॉमकेट ग्रुप के थ्रू कॉपी करना चाहते हैं इमेज में तो हमें सी एच ओन इज इक्वल टू टॉम टॉमकेट मैंशन करना पड़ेगा तो जो भी फाइल यहाँ से और वहाँ कॉपी होगी वो टॉमकेट यूज़र और टॉमकेट ग्रुप के थ्रू ही मतलब वो एज अ टॉमकेट यूज़र एंड टॉमकेट ग्रुप वो कॉपी होगी ठीक है तो उसका ओनर कौन होगा उस फाइल का ओनर होगा टॉमकेट ठीक है एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने मैंशन किया हुआ है एट होम मतलब होम लिखा नहीं है सिर्फ एच ओ एम लिखा है लास्ट में एस्ट्रिक यूज़ किया है तो जो भी कोई फाइल जिसका नाम स्टार्ट होगा एच ओ एम से वो सारी फ़ाइल कहाँ कॉपी हो जाएगी माई डेर के अंदर में कॉपी हो जाएगी वैसे ही एच ओ एम क्वेश्चन मार्क डॉट टी एक्स टी यहाँ पर मैंशन किया है मतलब एच ओ एम और जो क्वेश्चन मार्क की जगह में कोई भी कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर कोई भी हो एच ओ एम ई एच ओ एम ए या कुछ भी होगा तो वो कॉपी कहाँ हो जाएगा माई डेर में कॉपी हो जाएगा ऑल न्यू फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर क्रिएटेड विथ यू आई डी एंड जी आई डी ऑफ जीरोस ऑप्शन सी एच ओन फ्लैग इज़ यूज अगर मैं सी एच ओन फ्लैग यूज नहीं करता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली एड कमांड यूज करता हूँ तो उस केस में जो ये फाइल का जो ओनर होगा उसका ग्रुप आई डी होगा और जी आई डी होगा वो जीरो होगा <coughs> द डायरेक्टरी इट्स सेल्फ इज नॉट कॉपीड जस्ट कंटेंट अगर कोई डायरेक्टरी से कोई कंटेंट हम लोग कॉपी कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्टरी कॉपी नहीं होगी सिर्फ उसके कंटेंट ही वहाँ पे कॉपी होते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कॉम्प्रेस uh, फाइल को कॉपी कर रहा हूँ तो कॉम्प्रेस फाइल में कॉपी करते समय क्या होगा वो कॉम्प्रेस फाइल पहले एक्सट्रैक्ट होगी और एक्सट्रैक्ट होने के बाद में उसके अंदर जो कंटेंट होंगे वो सारे कंटेंट कॉपी हो जाएंगे डेस्टिनेशन के अंदर में सेम वे अगर कोई यू हम लोग कॉपी कर रहे हैं कोई यू से कोई फाइल आप कॉपी हो रही है ऐड कर रहे हैं तो वो यू के थ्रू भी हम कोई भी फाइल हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तो ये ऐड का ये एडवांटेज है कि हम कोई भी फाइल को कॉपी करते समय वो अगर टार होगी या कॉम्प्रेस फाइल होगी तो वो भी हम कॉपी कर सकते हैं यू के थ्रू भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं इसके ही जैसी एक और कमांड है लाइक सी एम डी इंस्ट्रक्शन सी एम डी इंस्ट्रक्शन डू ऑल सेम लाइक एड बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि कॉपी कमांड्स में हम कॉम्प्रेस फाइल को कॉपी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और यहाँ पे हम यू के थ्रू भी कोई भी कॉपी Uh, कोई भी फाइल हम कॉपी नहीं कर सकते तो ऐड में हम वो दो एक्स्ट्रा फीचर हमें यहाँ ऐड कमांड में मिल जाते हैं अदरवाइज कॉपी एंड ऐड आर द वेरी सिमिलर कमांड कोई भी फाइल हमें और यहाँ पे एक और चीज़ का डिफरेंस है जैसे कि हम ऐड जो इंस्ट्रक्शंस है वहाँ पे हम फाइल को कॉपी करते हैं कहाँ पे इमेज में जब इमेज बिल्ड होती है उस टाइम में अगर हम ऐड का इंस्ट्रक्शन मेंशन कर रहे हैं तो कोई भी कॉपी होगी फाइल तो वो इमेज के अंदर चली जाएगी और इमेज का साइज़ बिल्ड हो जाएगा इमेज का साइज़ बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम कॉपी कर रहे हैं फाइल इमेज में लेकिन कॉपी कमांड में हम क्या कर रहे हैं वो जो फाइल है उसको कॉपी करके कंटेनर में ले जा रहे हैं ठीक है तो वो कंटेनर में वो डेस्टिनेशन कंटेनर के डेस्टिनेशन में वो फाइल अवेलेबल रहेगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ एंट्री पॉइंट एंट्री पॉइंट का रिलेशन हमने देखा था सी के साथ में तो आप देख रहे हो सी एम डी कमांड ओनली वन सी एम डी कमांड कैन बी डिफाइंड इन द डॉकर फाइल और यहाँ पे हमने देखा था कि पैरामीटर मीटर वन पैरामीटर टू एज ए डिफॉल्ट पैरामीटर टू द एंट्री पॉइंट तो एंट्री पॉइंट और सी एम डी का रिलेशन है तो वो कैसा है वो हम डिस्कस करेंगे एन एंट्री पॉइंट अलाउ यू टू कन्फिगर अ कंटेनर दैट विल रन एज एन एग्जीक्यूटेबल तो defi, uh, इन जनरल वॉट हैपन्स कि जब हम कोई कंटेनर रन करते हैं बाई यूजिंग कमांड डॉकर रन एन इमेज तो वो जो कंटेनर होता है वो एग्जिट हो जाता है वाई बिकॉज उसके अंदर कोई सर्विस एंड कोई प्रोसेस रन नहीं हो रही होती है जिसके वजह से वो एग्ज़िट हो जाता है बट अगर हम एंट्री पॉइंट डिफाइन कर देते हैं तो एंट्री पॉइंट का काम है कि उस कंटेनर में किसी सर्विस या फिर किसी प्रोसेस को रन करते रहना सो so दैट कि वो कंटेनर हमेशा रनिंग कंडीशन में रहे अगर हम उस कंटेनर को रनिंग कंडीशन में रख देते हैं तो वो कंटेनर रन रन होता रहेगा जब तक कि हम उसको स्टॉप नहीं कर देंगे तो इन जनरल इसका जो फॉर्मेट है वो है एंट्री पॉइंट एग्जीक्यूटेबल पैरामीटर वन एंड पैरामीटर टू यहाँ पे कमांड होगी और कमांड से रिलेटेड पैरामीटर्स ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में है एग्जैक्ट फॉर्मेट में कमांड लाइन आर्गूमेंट टू रन डॉकर रन इमेज विल अपैंड आफ्टर ऑल एलिमेंट इन एग्जैक्ट फॉर्म एंट्री पॉइंट जैसे कि हम कमांड रन करते हैं डॉकर रन इमेज एंड यहाँ पे अगर हम कोई कमांड रन करें लाइक एल एस आई फन एल तो वो कमांड उस कंटेनर में रन होती है और उसका आउटपुट हमें दिखाई देता है सेम वे वही चीज हम एंट्री पॉइंट से कर सकते हैं ठीक है एंट्री पॉइंट का एक शेल फॉर्मेट भी होता है ये एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है जो जैसा फॉर्मेट में लिखा होता है वैसे ही एंट्री पॉइंट का शेल फॉर्मेट भी होता है द सेल्फ फॉर्म प्रिवेंट्स एनी सी एम डी और रन कमांड लाइन आर्गूमेंट फ्रॉम बींग यूज मतलब कमांड प्रॉम्प्ट सी एम डी कमांड सी एम डी इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो हम पैरामीटर पास करेंगे वो शेल फॉर्मेट में नहीं जाएगा वो किस फॉर्मेट में जाएगा वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में जाएगा जो हम सी एम डी के थ्रू जो पैरामीटर पास कर रहे थे वो किस फॉर्मेट में लेगा एंट्री पॉइंट वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में ही लेगा शेल फॉर्मेट में नहीं लेगा ठीक है यू कैन ओवर राइट द एंट्री पॉइंट इंस्ट्रक्शन यूजिंग डॉकर रन हाइफन हाइफन एंट्री पॉइंट एंड द फ्लैग तो अगर कोई एंट्री पॉइंट हमने डॉकर फाइल के अंदर में डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल ये इसको हमें ओवर करना है इसको चेंज करना है तो हम जब डॉकर कंटेनर रन करेंगे उस टाइम में हमें एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे डिफ़ाइन करना है उसकी वैल्यू अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो चीज़ ये जो वैल्यू रहेगी ये ओवर करेगी इसको और ये रन हो जाएगी लेटेस्ट वाली ओके okay? जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फ्रॉम इमेज वन टू हम लोग ले रहे हैं और वो वन टू के अंदर हम लोग रन कर रहे हैं टॉप हाइफन बी टॉप कमांड हम वहाँ पर रन कर रहे हैं विथ ऑप्शन हाइफन बी विच इज अ पैरामीटर अब यहाँ पे हमने एक नई चीज़ यहाँ ऐड की हुई है एग सेक तो जनरली वो डेफेंस हमने अगर एंट्री पॉइंट टॉप बी कमांड रन कर दी विदाउट एग्स तो जो कंटेनर रन होगा उसके अंदर टॉप कमांड कंटिन्यूसली रनिंग रहेगी और वो कम, वो कंटेनर कंटिन्यूसली रनिंग कंडीशन में रहेगा तो जब हम उसको डॉकर स्टॉप कमांड के थ्रू अगर हम उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो वो स्टॉप नहीं होगा वो एरर दे देगा बट इन केस वी वॉन्ट टू स्टॉप दैट कंटेनर विच इज़ रनिंग द कमांड टॉप बी वी हैव टू यूज़ एक्सेक उसके साथ हमें एक्सेक यूज करना पड़ेगा अगर हम एक्सेक यूज़ करते हैं तो वो जो रनिंग कंटेनर होगा थ्रू टॉप बी कमांड के थ्रू जो हमने रन किया है वो स्टॉप हो जाएगा तो जब भी आप कोई शेल फॉर्मेट में एंट्री पॉइंट लिखते हो दिस इज़ अप्लाइड ओनली फॉर द शेल फॉर्मेट इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैं शेल फॉर्मेट में हम कोई कमांड अगर एंट्री पॉइंट से रन करते हैं तो वहाँ पे हमें एक्सेक कमांड एक्सेट एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हमें वहाँ पे यूज़ करना है अब अंडरस्टैंडिंग हाउ सी एम डी एंड एंट्री पॉइंट इंट्रैक्ट ये दोनों काम कैसे करते हैं तो बोथ सी एम डी एंड एंट्री पॉइंट इंस्ट्रक्शन डिफाइन वट कमांड गेट एग्जीक्यूटेड वेन रनिंग ए कंटेनर दोनों दोनों भी सी एम डी और एंट्री पॉइंट दोनों ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी कमांड हमें कंटेनर में रन करनी है ठीक है देयर आर फ्यू रूल्स दैट डिस्क्राइब देयर कॉपरेशन ठीक है डॉकर फाइल शुड स्पेसिफाई एट लीस्ट वन सी एम डी और वन एंट्री पॉइंट्स कमांड एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर वो हुएगी तो देट विल गेट ओवर राइट बाई द लेटेस्ट वन जो सबसे नीचे डिफाइन किया होगा वो उसको ओवर राइट कर देगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा ठीक है तो वो आपको लिखने का कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं अब एंट्री पॉइंट यूजिंग कंटेनर एज एन एग्जीक्यूटेबल कोई कंटेनर आपको एग्जीक्यूटेबल रन करना है तो ही आप एंट्री पॉइंट्स यूज करो अदरवाइज देयर इज नो यूज सीएमडी शुड बी यूज एज अ वे ऑफ डिफाइनिंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉर एन एंट्री पॉइंट कमांड और फॉर एग्जीक्यूटिंग एन एडहॉक कमांड इन अ कंटेनर तो जो पैरामीटर अगर हमें पास करना है तो वो सीएमडी के थ्रू हम एंट्री पॉइंट्स में पास कर सकते हैं

तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया मैं स्पेसिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ सीएमडी या फिर एंट्री पॉइंट दोनों में से कोई एक ही चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए दोनों अगर रहेंगे तो सीएमडी ओवरराइड हो जाएगा एंट्री पॉइंट से तो एंट्री पॉइंट को हाई प्रायोरिटी रहती है सीएमडी से ज्यादा एंट्री पॉइंट को प्रायोरिटी रहेगी तो सीएमडी भी आपने मेंशन किया एंट्री पॉइंट भी आपने मेंशन किया तो एंट्री पॉइंट एक्सिक्यूट होगा सी नहीं होगा दैट्स क्लियर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज वॉल्यूम तो वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन इज वेरी सिमिलर लाइक आप जब डॉकर कंटेनर रन करते हो यूजिंग द कमांड डॉकर रन हाइफन वी एंड देन द वॉल्यूम नेम दैट मैप विद द पाथ ऑफ द डायरेक्टरी वेर यू वांट टू माउंट दिस वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर राइट वैसा ही द वॉल्यूम इंस्ट्रक्शन क्रिएट माउंट पॉइंट

तो ये सेम चीज़ जो डॉकर होस्ट में है वो सेम चीज़ कंटेनर के साथ में माउंट हो जाएगी और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रॉम ओबन टू रन जैसे हम ये कमांड रन कर रहे हैं एक डायरेक्टरी बना रहे हैं और फिर उस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल रख रहे हैं और उस फाइल को हम लोग वॉल्यूम के थ्रू माउंट कर रहे हैं तो ये डॉकर होस्ट और कंटेनर दोनों में सेम नाम से माउंट हो जाएगा ठीक है Next instruction is user instruction. User instruction is nothing but to run a Docker file with a specific user. So the user interact instruction set the user name or UID and optionally the user group or ID to use as a default user and group for the reminder, remainder of the current stages. The specified user is used for run instruction and at run time. रन्स द रिलीवेंट एंट्री पॉइंट एंड द सी एम डी कमांड तो फॉर फ्रॉम जैसे तो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम डॉकर फाइल में कोई यूज़र को, को डिफाइन कर देते हैं तो वो यूज़र जो हमने डिफाइन किया है उसके थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बाद यूज़र के बाद इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे वो सारे इंस्ट्रक्शन उस यूज़र उस यूज़र प्रिवलेजेस के साथ में रन होना स्टार्ट कर देंगे एंड बाई डिफॉल्ट अगर नहीं मैंशन करते तो वो यू आई जीरो के साथ में उसको रन करता है तो ये जो डॉकर फाइल है इसमें देखिए एक इमेज में बेस इमेज हम लोग ले रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर कोर और उसमें रन कर रहे हैं एक यूजर एड पैट्रिक एक यूज़र को हम लोग ऐड कर रहे हैं सेट इट फॉर सिफ्त कमांड फिर हम लोग उस यूज़र को यूज़ कर रहे हैं और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ कमांड विल गेट एग्जीक्यूटेड विद द यूजर पैट्रिक ठीक है तो बाद की जो का सारी कमांड्स होंगी वो पैट्रिक यूजर के थ्रू रन होगी